अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार मित्रांनो, वेलकम, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का फिशिंग हंटर्स इंडिया में। सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2024 चल रहा है और आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो मैं कौन से फ्रॉग यूज़ करता हूँ और क्या ही मेरे पास में एक्सेसरीज है स्नेकेड फिशिंग के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। प्लस वीडियो स्किप मत करना, इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके लिए शायद फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये कुछ नया स्टॉक जो है वो लिया हूँ नेक्स्ट हंट के लिए। पुराने वाले जो फ्रॉग्स है वो आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखे ही होंगे दोस्तों, मैंने पूरे दिखाए और शो किए हैं बाकायदा कि मैं कौन से फ्रॉग यूज़ करता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है हर फ्रॉग पे जो है अटैक होता है भाई साहब, डिपेंड करता है स्पॉट। आपको अगर स्पॉट की समझने की काबिलियत है तो वहाँ पे वो फ्रॉग चला सकती है। हाँ, अगर आसान शिकार है, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, अगर आसान शिकार है जहाँ पे कोई खेला नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी स्नेकेड है, मछलियाँ है, मुँह मारेगा 100% नहीं, 1000% जो है मुँह मारेगा फ्रॉग के ऊपर। और देखते हैं ये जो कुछ न्यू फ्रॉग जो है वो बाई की है मेरे हिसाब से, देखेंगे कि क्या है। पहले तो निकाल लेता हूँ सारों को इन पैकेट्स में से। मेरे पास में सबसे पहला वाला जो रीस्टॉक किया हूँ मैं खेलने के लिए, वो ये वाला फ्रॉग है दोस्तों, मोरिजो। इस फ्रॉग का नाम है मोरिजो, नाम दिख रहा होगा आपको मोरिजो। और ये है वो फ्रॉग, 150 rupees का फ्रॉग है दोस्तों, और ये मेरे हिसाब से रैंक 1 का फ्रॉग है। इसका जो एक्शन, इसका जो चलने का जो स्टाइल है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। 21 gram का ये फ्रॉग है, लॉन्ग कास्ट होता है और बड़ा मज़ा आता है भाई मुझे इस फ्रॉग के ऊपर फिशिंग करने के लिए। अगर ये मेरे पास में नहीं रहता है स्टॉक में तो मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ फिशिंग करते वक्त, क्योंकि ये कुछ नहीं चलता तो तब ये वाला एक्शन जो है घातक साबित होता है। देख सकते हैं आप, थोड़ा क्लोजअप बता देता हूँ मैं कि आग जो है ज़्यादा बाहर नहीं निकली हुई है। इसका पैटर्न देख लो आप, ये वाला फ्रॉग, ठीक है, पैटर्न दोबारा दिखा रहा हूँ, देख लो आप ये वाला। दूसरा वाला देखते क्या है। और दूसरा वाला एक नया स्टॉक आया था तो सोचा ये वाला भी ले लूँ, ये चाइनीज फ्रॉग, ये वाला। इसका कलर देख सकते हैं आप लोग, कलर से कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा खिलाफ हूँ बिल्कुल भी कि कलर ये चलता है वो चलता है, एक्शन जो है उसके ऊपर अटैक करता है। ये वाला फ्रॉग, ये चाइनीज फ्रॉग, बेसिक फ्रॉग है और ये काफ़ी पुराना फ्रॉग है दोस्तों। आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी देखोगे ना तो ये फ्रॉग आप लोगों को पहले सर्च में आएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर, ये वाला फ्रॉग बहुत पुराना फ्रॉग है भाई साहब, 100 rupees इसकी कीमत है दोस्तों, चाइनीज फ्रॉग। फ्रॉग का नाम टेक मी फिशिंग फ्रॉग ल्योर, इसका नाम दिया है, नहीं इसका कोई नाम नहीं है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है इसके बॉक्स के अंदर। तो दिस इज द फ्रॉग हुक, देख सकते हैं आप लोग, 100 rupees में क्या ही आएगा, इतने कुछ खास हुक नहीं है, बट हाँ 4-5 kg का फिश जो है वो लैंड करा सकता है, इतना तो दम रखता है ये वाला फ्रॉग। रबर भी जो है इसका हार्ड है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, अच्छा है। इस वाले फ्रॉग को मैंने यूज़ नहीं किया हूँ बट आई एम डैम श्योर इस पर भी मैं स्नेकेड कैच कर सकता हूँ। ये गहरे पानी में इस्तेमाल करूँगा मैं, बड़ा फ्रॉग है, फ्रॉग का साइज़ जो है वो बड़ा है, तो इसको गहरे पानी में चलाऊँगा मैं जहाँ पे पानी की गहराई ज़्यादा है। नेक्स्ट फ्रॉग ये जो है, ये वाला फ्रॉग भी जो है 100 rupees में बाई किया है मैंने, 100 rupees, दुश्मन का कॉपी। और इस फ्रॉग का जो रबर है एकदम स्मूथ है, एकदम पतला फील है, देख सकते हैं आप लोग, रबर एक्चुअली मोटा है लेकिन इसकी जो सॉफ्टनेस जो है ना अच्छी है, और एकदम क्विक कैप्चर है। क्विक कैप्चर का मतलब मछली ने जैसा अटैक किया और आपने जैसा ये किया ना तब भी हुक हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, दुश्मन का कॉपी है। इसके पीछे जो है भिंगरी स्पून जो है छोटा वो नहीं लगा है,
तो ये वाला फ्रॉग भी 100 रुपये में है। फ्रॉग का नाम है रियल फ्रॉगी, कैन सी पैकेट के अंदर देख सकते हैं, रियल फ्रॉगी, अमेजिंग। अगला वाला फ्रॉग जो है दोस्तों वो ये वाला फ्रॉग है, ये वाला, ये बिल्कुल मिलता जुलता फ्रॉग है, भीष्मा आउटडोर का जो फ्रॉग है ना, मैन F1, बिल्कुल उसका कॉपी है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये रहा 150 रुपीज इसका भी कीमत है भाई साहब, ये वाला। नीचे से कलर कुछ इस तरह से पैटर्न है, इसकी आग भी जो है रेड रेड आए, आग रेड है। तो ये वाला भी अच्छा चलता है, जो जाली वाले इलाके होते हैं जहाँ पानी की सतह के ऊपर पत्तों की जालियाँ होती है, जो पानी के अंदर एक पैटर्न होता है ना हमारे फिशिंग स्पॉट के ऊपर जो जालियाँ होती है, वहाँ पे ये फ्रॉग काम आता है बेहतरीन। और ये वाला देख सकते हैं आप लोग, बड़ा दुश्मन फ्रॉग है, दिख रहा है आप लोगों को, दिखा देता हूँ मैं कुछ इस तरह, लंबा है, ब्लैक कलर, बिग साइज, लंबा है और अच्छा है, इसका स्पून है इस वाले फ्रॉग को, यस, महंगा है ये वाला। इस वाले फ्रॉग का प्राइस मैं डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप देख लो करेक्शन करके, और कुछ इसका पैटर्न है इस तरफ से, और इसके हुक जो है ना वो देख लो आप लोग कैसे हुक कुछ इस तरह से है, जैसे ही वो बाइट करेगा फिश आप लोग खींचोगे भी तो हुक हो जाएगा, और ये उसके एक्शन देने के लिए, ललचाने के लिए भाई साहब, मछली को जो है गुस्सा दिलाने के लिए ये स्पिनर काम आता है, जल्दी अट्रैक्ट होता है इससे स्नेकर। तो ये वाला एक, नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं, अगला वाला ये दोबारा से मंगाया हूँ, इसका नाम है सेंशी, सेंशी फ्रॉग, देख सकते हैं सेंशी, सेंशी 180 रुपीज़ का ये फ्रॉग है, और इसका भी रबर जो है ना बहुत बेहतरीन लगा मुझे, रबर क्वालिटी भी अच्छा है, बेहतरीन, शेप भी अच्छा है, और कुछ इस तरह जो है दिखाई देता है भाई साहब, लेट्स सी, ये है इसका पैटर्न, थोड़ा हेवी फ्रॉग है ये, 19 ग्राम, 19 ग्राम का ये फ्रॉग है, 19 ग्राम, मज़ा आ गया भाई। ये वाला जो फ्रॉग है ना, ये मछली जो है तोड़कर लेकर चली गई थी, और इस वाले फ्रॉग के जो हुक है ना भाई साहब वो मोटे है, थोड़े मोटे बताता हूँ मैं, ये जो हुक का जो साइज़ है ना, इसकी जो मोटाई है ये मोटा है भाई, और इसका बहुत ज़बरदस्त कारीगरी है, इसका जो रिवर्स वाला जो एक्शन है ना, रिवर्स में जो टीथ है रिटर्न वाले, वो काफ़ी खतरनाक है, थोड़े लंबे, तो इसमें जब मछली हुक होता है ना तो उसके चांसेस ही नहीं निकलने के, छूटने के, लाइक दैट। और जो बाकी स्टॉक है पुराना वाला वो देख सकते हैं आप लोग, भीष्मा का मैन F1, मुलर मैन F1, दुश्मन कॉपी, और ये छोटा सा स्मॉल साइज वाला, इसका नाम नहीं पता, इसका भी नाम नहीं पता, ये भी 13 ग्राम का फ्रॉग, ये राजस्थानी फ्रॉग, और ये ब्लैक कलर में मुलर वाला छोटा वाला साइज। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला चमकी वाला कैबेला छोटा साइज, ये बड़ा साइज कैबेला, ये मुलर में वाइट कलर, इस पर भी लगती है,
ये ग्रीन वाला पैटर्न बहुत अच्छा चला था बारिश में, ये वाला, इस पर भी मछली निकली है भाई साहब, पिछले वीडियोस चेक कर सकते हैं। और ये दुश्मन फ्रॉक जो कि ख़राब हुआ, मछली मिस हो गई तो इसका स्पिनर जो है वो भी गिर गया था, ख़राब हो चुका ऑलमोस्ट है। तो ये है सेटअप, और आगे दिखा दो आप लोगों को ये बैग, ये कमर पे रहती है, इसके अंदर रखता हूँ मैं फ्रॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार जो है आप लोगों को, सेम ही फ्रॉग है ये वाला और ये वाला, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ बैग में कुछ इस तरह से। और भी जो फ्रॉग है उनको भी डाल देता हूँ ये सब। नेक्स्ट स्टॉक क्या किया हो ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, स्नेकेड के मुंह में कोई हाथ नहीं डाल सकता भाई साहब, ये है लिप ग्रिपर, प्राइस आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये एक बाइक किया हो ख़राब हुआ पिछले वाला, प्लायर, ये है प्लायर, इससे क्या है ना ये हुक जो है रिमूव करते हैं हम लाइक दिस, फिश के जो मुंह से जो है हुक रिमूव करने के लिए, ऐसा खींचने के लिए बेहतरीन। इसके अंदर एडवांटेज क्या है इस प्लायर में वो भी बता देता हूँ मैं, इसके अंदर जो है दो एक्स्ट्रा नाइफ दिए गए दोस्तों, ये ब्रेडेड लाइन जो है कट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश कट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो दिख रहा है ये करवत जैसा पैटर्न वाला शेप, इससे जो है मछली के स्केल जो खौले होते हैं, स्केल जिसे हम बोलते हैं, उसको निकालने के लिए, मछली साफ करने के लिए बेहतरीन। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगली चीज़ ये बहुत पहले से इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों मैं, ये चीज़ मैं सभी यूट्यूबर्स को भी रिकमेंड करता हूँ, और सभी फ़िशिंग करने वाले जितने अपनी फ़िशिंग फैमिली है उन सभी के लिए मैं ये चीज़ रिकमेंड हमेशा करता हूँ, वो ये भाई साहब मछली का वज़न चेक करने के लिए, क्योंकि हम इतने तो एक्सपर्ट है नहीं कि मछली का एक्यूरेट वेट जो है वो बता सके, ऑन द स्पॉट जो है वो हमें एक्यूरेट वेट जो है बताता है। क्या हुआ यार, सेल लगा नहीं है शायद ठीक से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा मैं, ये वज़न बताता है भाई साहब मछली का, आप लोगों को ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखता हूँ जबकि मछली होता भी नहीं है उतना केजी का, और बताते कि 8 केजी का है, 10 केजी का है, 5 केजी का है, तो ये रखा करो, 2 केजी का मछली भी इतना होता है, मछली की मोटाई, मछली की लंबाई, उसकी साइज़, मछली पतला है मोटा है क्या है उस पर डिपेंड होता है, ये रखा करो, बहुत प्यारी चीज़ है ये, और ये हमेशा आपको जो एक चीज़ सिखाएगी, जब आप फिश जब बाहर लैंड करते हो इसके ऊपर वज़न करने से पहले एक चीज़ आप अपने आप से अंदाज़ा लगाया करो कि मेरे हिसाब से शायद ये इतने केजी की होनी चाहिए, फिर देखो उठा के मछली वज़न कितना आ रहा है, आपका अंदाज़ा कहाँ लगा, ये एक मज़ेदार चीज़ है, बेहतरीन। और उसके बाद में ये है ग्रिपिंग के लिए, रॉड के ग्रिपिंग के लिए, बढ़िया चीज़ है भाई, एक्चुअली इसके ऊपर डाइवा का प्रिंट है, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई ब्रांड मैटर नहीं करता है, देख सकते हैं, रॉड को पकड़ने के लिए, रील के ऊपर थंब रखने के लिए, थंब यहाँ से बाहर निकला हुआ है, एक अच्छा कॉम्पैक्ट फील है, ग्रिप जो है रॉड पकड़ने के लिए बेहतरीन, छूटेगा नहीं हाथ से रॉड अगर बड़ी मछली लगी और मछली जोर लगा रही है तो। और ये रहा पूरा प्रॉपर लुक, हंटिंग लुक देख सकते हैं आप लोग, तो ये हंटिंग लुक थोड़ा दिखा देता हूँ आप, ये हंटिंग लुक थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को,
फुल इसके अंदर थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा कि कैसा लग रहा है। ये कुछ इस तरह से ये हुआ मेरा प्रॉपर हंटिंग लुक। कैप पहनने के बाद मैं थोड़ी हंसी आई थी कि मैं कैसा अजीब लग रहा हूँ, बट नहीं, इट्स अ प्रोफेशनल हंटिंग लुक राइट। ये कुछ इस तरह से लगेगा और हम चलेंगे शिकार पे। ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि धूप से तो बचा ही जाता है, प्लस आप जब भी स्नेकेड के लिए जाते हैं तो ये इन्वायरमेंट के जो कलर है, जो झाड़ पेड़ पौधे होते हैं उनसे मैच करता है, तो आपके जो दिखने के जो है मछली को चांसेस कम है। ये एक बेनिफिट है इस वाले चीज़ का। तो ये बाय किया है मैंने MS टैकल शॉप से, और जितने भी फ्रॉग्स एंड रॉड रील जो देखे आप लोगों ने वीडियो के अंदर, और जितने भी अभी तक 2023 में वीडियोस बनाए, जो भी खरीदा गया है, जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया वो MS टैकल शॉप से बाय किया, वो पूना से। दोस्तों मेरा हमेशा से एक मानना होता है, देखिए स्नेकेड फिशिंग जो है वो हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, बच्चे भी मरल पकड़ सकते हैं। उसकी वजह ये है स्पॉट के ऊपर जो है, अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। स्नेकेड फिशिंग के अंदर दोस्तों दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक आसान फिशिंग और एक चैलेंजिंग फिशिंग। अब चैलेंजिंग फिशिंग वहाँ पे आती है जहाँ पे हमारे पास स्पॉट नहीं होते। आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ में कई तरह के बहुत सारे वीडियोज़ है, आप चैनल पे विजिट करके देखेंगे कि मुझे स्पॉट चेंज कर करके जो है वो फिशिंग करनी पड़ती है। ड्यू टू रीज़न मैं पुणे में रहता हूँ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं है और डैम भी नहीं है जहाँ पे उस तरह का खेल जो है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और आसान फिशिंग जो होती है वो दोस्तों स्पॉट डिपेंड होता है, जहाँ पे कोई खेला नहीं होता है, अनछुई जगह, वहाँ पे क्या करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है जाके पहुँच के वीडियोज़ बनाते हैं। इवन मैं भी, कोई ऐसे स्पॉट होते हैं जहाँ पे कोई पहुँचा नहीं होता है। आप लोग मेरे वीडियोस में देखेंगे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि यहाँ पे मछली लगेगी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं कि क्या साइज़ की लगेगी। वो स्पॉट डिपेंड करता है दोस्तों। स्नेकेड आप लाइनों में अगर स्नेकेड पकड़ना चाहते हैं, लाइन लगा कर 10, 12, 15, 20 पीस, वो आपका स्पॉट डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ नहीं सकता, भाई साहब आप सभी पकड़ सकते हैं स्नेकेड मछली, मैं नहीं और जितने भी लोग हैं जो स्नेकेड फिशिंग करते हैं वो सभी पकड़ सकते हैं। और एक चीज़ दिमाग से निकाल दो दोस्तों कि ये फ्रॉक चलेगा, वो चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, ये सब सारी चीज़ें जो है स्पॉट के ऊपर डिसाइड होती है। स्पॉट किस तरह का है उस पर डिसाइड होती है फ्रॉक कौन सा चलेगा कौन सा नहीं। सेकंड थिंग, आसान शिकार जहाँ पे होता है, मतलब जहाँ पे अनछुई जगह होती है, आसान शिकार मैं उस लैंग्वेज में बोलता हूँ, आसान शिकार उसका मतलब ये कि जहाँ पे कोई खेला नहीं है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, आपने अगर फ्रॉग 80 रुपये वाला भी फ्रॉग इस्तेमाल किया ना वहाँ पे, मैं लिख के देता हूँ ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपने 80 रुपये वाला भी फ्रॉग यूज़ किया ना, तो भी आपको स्नेकेड अटैक करेगा, आप पकड़ सकते हैं। और 800 रुपये वाला भी यूज़ किया आपने तो भी स्नेकेड उस पर हमला करेगा, आप मछली आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये हुए आसान शिकार। जो आप लोग वीडियोस देखते हैं कि भाई साहब ये चलेगा, वो चलेगा, ये चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस। रियलिटी पे ध्यान दो, सीखो, समझो चीज़ों को, तभी आप जो है स्नेकेड के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे, उसके खेल के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो एक रियलिटी पे वीडियो बनाता हूँ, मुझे ज़रा सभी एक ज़र्रा वर्षा कतरे वर्षा भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि कोई भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ और उसे बड़ा चढ़ा करके बताऊँ, या फिर मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ वो फेक होती है या बड़ा चढ़ा के मैं बताता हूँ, ऐसा अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा। और आगे भी इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि एक रियलिटी के साथ ही जो है मैं वीडियोस बनाऊंगा और पूरी ईमानदारी के साथ में मैं काम करूंगा। और ये जो सिर्फ वीडियोस जो है आप लोगों के लिए दोस्तों, ये मेरे लिए नहीं। तो आज का दिन जो है मैं हंटिंग के लिए ना जाकर ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के हाथ से अगर आप वीडियो स्किप करके देखते, वीडियो भगा भगा के देखते हैं, तो एक
बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के अंदर छुपी हुई है। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो ये राइट वाला आग जो है वो सूजा हुआ है, लाल हुआ है एकदम से। इस वजह से ये चश्मा पहना हूँ दोस्तों, कोई शोभा जी नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। दोस्तों आप लोग जो है काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, इवन मेरे भी वीडियोस देखते हैं और कई तमाम यूट्यूबर्स लोगों के वीडियोस देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा करके जो है आप लोगों को यूट्यूब्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगा कि भाई साहब ये फ्रॉक चला है, यही फ्रॉक चलेगा, अब इस पे लगेगा मछली, अब उस पे लगेगा, अब तो यही चलता है, यही रॉड चलता है, ऐसा रील है, ये है वो है, तमाम तरह के जो है वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं। लेकिन कोई ये चीज़ नहीं बताता कि एक्चुअल में जो है स्नेकेड पकड़ी किस तरह जाती है और लगती कैसे, उसे खेला किस तरह जाए। सभी लोग जो है बस शिकार बताते हैं, स्पॉट पे जाते हैं और आप लोगों को भर भर के शिकार दिखाते हैं, मैंने ये पकड़ा, मैंने वो पकड़ा, मुझे ये साइज लगी, मुझे वो साइज लगी। तो दो तरह का ग्राफ होता है दोस्तों, एक जो है स्नेकेड कैसी पकड़ी जाए इसके ऊपर, और एक जो है स्नेकेड कितनी बड़ी पकड़ी है, कैसी है, क्या है, स्पॉट को है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो है हम लोग जाते हैं, विजिट करते हैं चैनल पे। अवॉइड करें, बच्चों वाली स्नेकेड ना पकड़े। अगर आप बच्चों वाली स्नेकेड पकड़ते हैं तो शायद वो जो बच्चे है कोई भी दूसरा जानवर जो है वो खा लेगा, जैसे पंछियाँ वगैरह होते हैं वो उन्हें खा लेंगे और स्नेकेड प्रजाति जो है वो ख़त्म होती जाएगी और आप ही लोगों का शिकार कम होगा। तो छोटी साइज की स्नेकेड अगर आप हुक भी करते हैं तो उसे रिलीज कर दें, यही मैसेज है मेरा। दोस्तों जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने देखी वो चीज़ें मैंने बाय करी है MS टैकल शॉप, नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा हूँ ऑलरेडी, आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका कैटलॉग चेक कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, जो चीज़ आपकी पसंद की है, जो चीज़ आपको लगती है कि मुझे ये खरीदना चाहिए, तो आप लोग इनसे बाय कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ एक्सेसरीज फिशिंग रिलेटेड सारा सामान यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा विद रीजनेबल रेट के साथ। पुणे के अंदर ये शॉप है, पुणे में कोथरूड लोकेशन है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे इनका कैटलॉग देखकर आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं, प्राइस भी ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर रखा है। सेकंड चीज, आप लोग जब भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है, मैं एक मेरा पर्सनली ऐसा मानना है और ये कॉमन है, टैकल शॉप्स में हर एरिया में हर तरह के रेट से, कहीं कम है, कहीं 50 रुपये ज़्यादा है, कहीं थोड़े से ज़्यादा है, कहीं थोड़े उससे कम है, तो ये सारे अलग अलग टैकल शॉप्स में जो है हमें रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो इन भाई साहब से मैं हमेशा टू एंड हाफ ईयर से मैं फिशिंग एक्सेसरीज ले रहा हूँ रीजनेबल रेट और आँखों से देख कर लेता हूँ मैं, तो ये मुझे बेनिफिशियल रहता है कि मुझे क्या कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी नहीं। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन्जॉय कीजिएगा आप लोगों की फ़िशिंग, और ख़ास करके एक सेटअप के अंदर जो है मैंने अपने शूज़ नहीं दिखाए, गन बूट जिसे कहते हैं। स्नेकेड फिशिंग के लिए आप जब भी जाए तो गन बूट वेयर करके जाए, सांपों से बचे। विंटर का सीज़न है दोस्तों, विंटर के अंदर दो प्रजाति के सांप जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो है कोबरा एंड वाइपर, जिसे हम हिंदी में कहते गोनस, हिंदी मराठी में कहते गोनस सांप और कोबरा नाग। तो इन दो सांपों से खास करके बचे। रात में जब भी आप शिकार के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी सांपों का निकलना लाजमी है, सेफ्टी का ख्याल रखें। शुक्रिया। एक चीज़ बोलने का भूल गया यार, अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, एक्चुअली सब्सक्राइब करें चैनल को और बहुत सारा प्यार दें। ज़रूरी नहीं है आप लोग लाइक किए नहीं किए, पसंद आता है तो लाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा, बस एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।